खबर गौतम बुद्ध नगर से अगली, जहां पर एनजीटी ने कई विभागों को नोटिस दिया है। धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यूपीपीसीबी समेत कई विभागों को नोटिस जारी करके 2 महीने के अंदर 2 जवाब मांगे गए हैं। बता दें आपको कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत कई जगहों पर कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, जिस पर कार्रवाई की गई है। हिमांशु और जानकारी देंगे इस पूरी खबर पर, विस्तार जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ हिमांशु। गौतम बुद्ध नगर से जो खबर आ रही है, जिस पर आप विस्तार से जानकारी दीजिए, एनजीटी ने कई विभागों को नोटिस दिया है, कौन कौन से वो विभाग हैं और नोटिस में क्या बातें कही गई हैं? बिल्कुल, देखिए कंचन, आपको बता दें एनजीटी में एक याचिका दायर की गई थी और जिस तरीके से अवैध निर्माण हो रहा है और खासतौर पे कृषि की भूमि पर यह अवैध निर्माण किया जा रहा है, अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही है, इसको लेकर याचिका दायर की गई थी और इसी पूरे में प्रकरण में एनजीटी ने संज्ञान लिया और साथ ही नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को ये नोटिस जारी किया। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है कि अवैध निर्माण चल रहा है, जिसमें नोएडा के कई गांव चिन्हित हैं, तकरीबन 18 गांव हैं, वहीं ग्रेटर नोएडा के करीब करीब 50 गांव हैं। इसको लेकर वाद दाखिल किया गया था और इसी पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और साथ ही 2 महीने में जवाब देने को कहा है। साथ ही अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए कि अगर जवाब उचित नहीं दिया गया तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखना होगा, 2 महीने का वक्त दिया गया और किस तरीके से यह अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही है, इस पर जो है संज्ञान लेने की बात कही गई है। हिमांशु शुक्ला, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।